ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और जो एक्सरसाइज 3 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4 और ये हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल एंड वाले और लास्ट वाला एक्सरसाइज है, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट फोर वेज बाय विच वाटर कैन बी कंजर्व, चार तरीके बताने जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व कर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है गाइस वो आप यहां से लिख सकते हो कि फोर वेज टू कंजर्व वाटर। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है कि डू नॉट अलाउ वाटर टू ड्रिप फ्रॉम डिफेक्टिव टैप्स, जो भी आपका डिफेक्टिव टैप्स होते हैं, खराब नल्स होते हैं, उसमें से वाटर को बहने नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोर डैम्स शुड बी बिल्ट। थर्ड पॉइंट है कि मोर प्लांटेशन शुड बी डन एज प्लांट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। और फोर्थ लिख सकते हो वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइड। तो आपसे चार तरीके पूछे, आप चार तरीके यहाँ से लिख सकते हो और ये चार काफी सिंपल और ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर। आपको बेसिकली ना आपको मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया था, तो आपको हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करनी है। तो काफी सिंपल सी आंसर है, तो इसका आंसर लिख सकते हो कि व्हेन इट रेन्स हैवीली वाटर रन्स इनटू स्ट्रीट। हम जानते हैं कि जब रेन्स होती है, बहुत हैवीली रेन्स होती है, तो जो वाटर है वो स्ट्रीट्स में बहने लगता है, ड्रेन्स में जो आपकी नली वगैरह होती है, और इस तरह से जो वाटर वो आपका वेस्ट हो जाता है, बह जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो वाटर के नीड्स उसे पूरा करने के लिए इस रेन वाटर को कैच कर सकते हैं, पर अपने जो डेली नीड्स है वाटर का उसे पूरा करने के लिए। मान लो जैसे कि आपका जो गाड़ियों को वॉश करनी होती है, क्लोथ्स वॉश करनी होती है, बर्तन वॉश करनी होती है, अपने घरों को धोना होता है, अपने बाग बगीचों में पानी देना होता है, तो इन सब नीड्स को पूरा करने के लिए हम जो रेन वाटर उसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसका स्टोर कर सकते हैं और फिर बाद में इसका यूज कर सकते हैं। फॉर दिस हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर शुड बी डन, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इस पर्पज के लिए हमें करनी चाहिए। रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ एंड वरामदाज ऑफ द बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स के रूफ होते हैं, जो वरामदाज होती है, वहां पर यदि पानी आ रही होती है बारिश का, तो वो जो वाटर है उसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली पाइप्स के थ्रू उसे टैंक्स में जमा कर सकते हैं। ये जो टैंक्स है वो सकता है आपके घरों के अंडरग्राउंड में, और बेसिकली नीचे जमा हुआ बना हुआ कोई टैंक वगैरह हो वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, या फिर और जो भी आपके पास बड़े बड़े ड्रम्स वगैरह हो वहाँ पे इन पानियों को आप कलेक्ट कर सकते हो, और फिर बाद में इसका जो फ्यूचर यूज है वो आप कर ही सकते हो। व्हेन इट इज नॉट रेनिंग, जब रेन नहीं हो रही होती है तो आप इसका जो यूज है वो बाद में कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि एडिशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से कचरे निकलते हैं वो भी हमारी नदियों में चले जाते हैं, पानी में चला जाता है। और फोर्थ पॉइंट है कि एडिशन ऑफ सीवेज इन वाटर बॉडीज, ये जो सीवेज है यानी कि बड़े बड़े शहरों से जो नालियां निकल रही होती है उसे भी हम लोग नदियों में छोड़ देते हैं, तो इसके वजह से जो हमारा वाटर है वो पूरी तरह से पॉल्यूट हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे जहाँ से हमें जो हमारा वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि स्टेट द मेन स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए आपको कुछ स्टेप्स बताओ, बेसिकली कुछ स्टेप्स जैसे हम लोग वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए बट आपके एग्जाम्स में इतने सारे नहीं लिखने, आप उसके से 4 या 5 करो, आपको आंसर पूरे मिल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि ट्रीज एंड प्लांट्स बी प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स एंड कैनल्स, जो रिवर्स होती है कैनल्स होते हैं उसके किनारे में हमें क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगानी है। सेकेंड पॉइंट है कि बाथिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स नियर और इन वाटर सोर्सेस बी नॉट बी अलाउड, बेसिकली जो वाटर सोर्सेस होती है, बहुत बार आपने देखा हो कि भेड़ बकरियों को, भैंस को, बैल को जो है ना वो तालाब में नहला दिया जाता है, नदियों में नहला दिया जाता है, तो उससे जितने सारे उसको शरीर में गंदगी होती है वो सारे के सारे आपके नदी में चले जाते हैं। बहुत बार हमने देखा हो कि जो बहुत महिलाएं होती है वो सब कपड़े धो रहे होते हैं नदी किनारे में, वाटर बॉडीज के किनारे, तो इससे जो हमारा वाटर वो गंदा हो रहा होता है। तो बेसिकली हमें क्या करनी है, इन सारी चीजों को जो सोर्सेज ऑफ वाटर है वहां से दूर करना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जो हम लोग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं वो थोड़ा कम करें, ताकि जो आपका बरसात के मौसम में जब खेतों में पानी आता है ये पानी के साथ केमिकल्स मिल करके उसे पॉल्यूट कर देता है, तो वहां से भी हम लोग जो है वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है कि जब पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से जो पॉल्यूटेड वाटर को नदियों में छोड़ा जाता है उसे हम फिल्टर कर सकते हैं, और फिल्टर करने के बाद उसे यदि वाटर बॉडीज में छोड़ा जाए तो जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है कि यूज बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, हमें क्या करनी है, वो जो केमिकल्स वाली डिटर्जेंट्स होती है जो वाटर के में बहुत सारा आपने से झाग देखा होगा, बिल्कुल क्लाउड की तरह वाटर के बॉडीज में बने हुए रहते हैं, तो ये सब डिटर्जेंट की वजह से होती है और केमिकल्स की वजह से होती है, तो हमें क्या करनी है, वो सारे केमिकल्स का यूज करना चाहिए और उन सारे केमिकल्स अथवा डिटर्जेंट का यूज करना चाहिए जो बेसिकली वाटर को पॉल्यूट
ना करता हो। तो ये वाटर पॉल्यूशन को कम करने की कुछ 5 स्टेप्स थे, इसे आप लर्न कर सकते हो और अपने आंसर को लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस आपको बताना है कि व्हाट आर द कॉसेस ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट्स, बाढ़ आने की और सूखा पड़ने की क्या कारण है। तो इसके बहुत सारे कारण है अलग अलग, जो आपका फ्लड्स है इसके कुछ अलग रीजन है, ड्राउट के अपने अलग रीजन है। सबसे पहले हम लोग फ्लड्स है इसके कजेस को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है अराइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन डैम्स रिवर्स एंड लेक्स, नदियों का पानी का बढ़ना, डैम्स के वाटर का लेवल बढ़ना, लेक्स जो है उसके वाटर का लेवल बढ़ना, इसकी वजह से आसपास के इलाकों में फ्लड्स आती है, बाढ़ आती है। सेकेंड पॉइंट है कि हैवी रेनफॉल ऑल्सो कजेज फ्लड, जो हैवी रेनफॉल है उसकी वजह से बाढ़ आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि फ्लड्स कजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप प्रॉपर्टीज एनिमल्स एंड अनाज होती है, फसल होती है, जो विलेजेस में लगी हुई रहती है वो सबके बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लो लाइंग एरियाज गेट सबमर्ज्ड वो पूरी तरह से पानी में डूब जाता है फ्लड वाटर की वजह से। तो ये कुछ पॉइंट लिख सकते हो आप कजेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स में। और नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ ड्राउट में लिख सकती हूँ कि जो क्रॉप्स है वो पानी नहीं मिलने की वजह से, ड्रॉट मतलब सूखा, और पानी नहीं मिलने की वजह से जितने सारे क्रॉप्स हैं फसल्स हैं वो सब मर जाते हैं। फॉडर में बिकम स्केर्स, फॉडर दैट मींस जो गाय बैल बकरियों को दिए, गाय बैल बकरियों के लिए जो भी अनाज है, जो भी फसल है, या फिर वो लोग गाय बैल बकरियों के जो आपके भोजन है, फूड्स है, बेसिकली वो सब भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सॉइल्स डाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल्स में रहते हैं वो सूखा पड़ने की वजह से वो सब भी डाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि एनिमल्स में डाई, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो पानी की कमी की वजह से और उन्हें खाना नहीं मिलने की वजह से फ्री एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली मर जाते हैं। प्लांट्स का मौत हो जाता, सॉरी प्लांट्स और जो ट्रीज हैं वो सब भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है कि सॉइल बिकम्स ड्राई, और जब ड्राई हम सॉइल जो है बेसिकली जब ड्राई हो जाता है तो जो वाटर लेवल है रिवर्स का, लेक्स का, डैम्स का वो सब भी कम हो जाता है, सूख जाता है, और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसका भी लेवल नीचे हो जाता है। तो ये करीब 4 पॉइंट्स थे जहाँ पे आप, 4 पॉइंट्स और 4 प्रॉब्लम्स थे जो कि ड्राउट की वजह से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, और इस तरह से जो हमारा ये एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि स्टेट सम ऑफ द वेज इन विच यू एज ए इंडिविजुअल कैन कंजर्व वाटर, कुछ तरीके बताओ जहाँ पे आप अपने स्तर पे वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हो। ये काफी सिंपल सी क्वेश्चन का आंसर है, ये आप अपने लेवल पे तो आप खुद से अपने आसपास में ऑब्जर्व करो कि कहाँ कहाँ से आप कौन कौन से तरीके अपना सकते हो, मेथड्स आप यूज कर सकते हो जिससे वाटर को वेस्ट होने से आप अपने स्तर पे बचा सकते हो। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द वेज इन विच वी कैन कंजर्व वाटर आर एज फॉलोस, वाटर को कंजर्व अपने स्तर पे करने के कुछ नियम कुछ तरीके हैं। फर्स्ट है कि यूज अ बकेट फॉर टेकिंग, आप जब भी बात कर रहे होते हो या फिर वाटर को यूज कर रहे होते हो तो नल से डायरेक्टली ना करके बकेट से करें ताकि इससे वेस्टेज ऑफ वाटर थोड़ा कम। नेक्स्ट है कि मेक श्योर वाटर डज नॉट ओवरफ्लो फ्रॉम ओवरहीट टैंक्स ऑफ योर हाउसेस, आपके घरों के ऊपर में जो छत पे टैंक लगे हुए रहते हैं आपको ध्यान रखने का भी वो ओवरफ्लो ना हो, और ओवरफ्लो होकर के वो सड़क पे आपको ऐसे बहता हुआ नजर ना आए। क्लोज द टेप व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, जब आप अपने घरों में बेसिकली टीथ ब्रश कर रहे होते हैं तो आप क्या करो, नल्स को बंद रखो। बहुत लोग क्या करते हैं जब भी ब्रश कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, तो और भी डेली एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो नल को ओपन करके करते हैं। तो बेसिकली आपको वो नहीं करनी है, जितनी आप वाटर की आवश्यकता हो आप जग से या फिर बकेट का हेल्प से लो और डायरेक्ट टीथ करते ब्रशिंग करते वक्त आपको टैप वाटर को ओपन नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है कि वॉश फ्रूट्स वेजिटेबल इन ए बॉल ऑफ वाटर, जब भी आप वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश करते हो तो हम भी क्या करते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट टैप ऑन कर देते हैं और उसे वॉश करना स्टार्ट करते हैं, तो इससे वाटर की वेस्टेज ज्यादा होती है। आपको बॉल ऑफ वाटर बेसिकली आपको ना कुछ अटेंशन ले लेनी है और उसमें वाटर रख करके आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश करनी है। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स थे जहाँ से आप अपने स्तर पर अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो वाटर उसे कंजर्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस। पहला क्वेश्चन है कि वाटर इज ए डैश सॉल्वेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट है डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा रेन वाटर। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है सैंड एंड डस्ट आर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन वाटर, बेसिकली आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो इस जगह पे सैंड एंड डस्ट, सैंड एंड डस्ट जो है वो आपका इम्प्योरिटीज वाटर में सस्पेंडेड रहती है। शी वाटर हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो इसका आंसर होगा सॉल्ट। वाटर कवर्स नियरली डैश ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5 ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ। एवेपोरेशन ऑफ रेन वाटर लीव्स नो रेसिड्यू,
पोटास एलम जो है वो आपका केमिकल है जो वाटर में ऐड करी जाती है टीनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। सॉल्यूशन एक आपका यूनिफॉर्म मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होती है। आइस वाटर एंड स्टीम हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट बट आर सेम केमिकली आइडेंटिकल। वाटर और जो स्टीम है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है, एक गैसेस स्टेट में है, एक सॉलिड और एक लिक्विड स्टेट में है, बट वो केमिकली आइडेंटिकल है। यानी कि उसका जो फॉर्मूला है वो बेसिकली आपका H2O ही है। जे में है कि बॉइलिंग किल्स मोस्ट ऑफ द डैश इन वाटर, तो इसका आंसर होगा जर्म्स, मोस्ट ऑफ द जो जर्म्स है उसे वाटर में से ही किल करती है। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाओ कितना सिंपल है, फर्स्ट टाइम हमने इतना कम टाइम में फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप चाहो तो अपने बुक्स में सारे आंसर को टिक लगा सकते हो, करेक्ट कर सकते हो और याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर इज एन एलिमेंट, तो आंसर होगा फॉल्स, वाटर आपका कोई एलिमेंट नहीं है, वाटर एक कंपाउंड है। बी में है टैप वाटर डज नॉट कंटेन डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, जो टैप वाटर है क्या उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है, तो आंसर होगा फॉल्स, टैप वाटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। एलम इज कॉमनली यूज फॉर रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, क्या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग एलम का यूज करते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि एलम का जो यूज है वो हम लोग सेटल डाउन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज के लिए करते हैं, बल्कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए नहीं। डिस्टिलेशन इज अ गुड मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर फ्रॉम वाटर फॉर टाउन सप्लाई, क्या डिस्टिलेशन एक अच्छा मेथड है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि डिस्टिलेशन से हम लोग लेबोरेटरी वाटर यानी कि वो वाटर जिसकी नीड्स बहुत कम होती है वो कर सकते हैं, बाकी डिस्टिलेशन से हम लोग पूरे शहर को पानी, पूरे शहर को वाटर सप्लाई करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसे हम लोग क्लीन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये काफी सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर कंटेंट इन ह्यूमन बॉडीज इज, इसका आंसर होगा 70%। आपको याद रखने की ह्यूमन बॉडी में 70% क्या होती है, वाटर होती है। सेकेंड क्वेश्चन है कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, ऑप्शन है सी वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर, तो गाइस इसका आंसर होगा रेन वाटर, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हेन द वाटर वेपर चेंजेस इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जब वाटर वेपर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फॉग। ये याद करो जो आपका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हो रही थी वीडियोस की, इस चैप्टर का फर्स्ट जो पार्ट था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाली, वहां पे हमने इस क्वेश्चन का आंसर और इसका जो पूरा थ्योरी है उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वाटर इज अ, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाउंड, यानी कि वाटर इज अ कंपाउंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय, कॉमन सॉल्ट को हम लोग सी वाटर से कैसे ऑब्टेन्ड करते हैं, तो इसका आंसर होगा एवापोरेशन। नेक्स्ट इज जॉन्डिस अफेक्ट्स, जॉन्डिस क्या अफेक्ट्स करता है, हार्ट, लंग्स, रिवर्स या किडनी, तो इसका आंसर होगा इस लीवर, ये लीवर को अफेक्ट करता है जॉन्डिस, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में बताना है कि जो क्लोरिनेशन है वाटर का वो कैसे होता है। अच्छा, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज डन, हम लोग वाटर का क्लोरिनेशन क्यों करते हैं, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा टू किल द जर्म्स, जर्म्स को किल करने के लिए, बाकी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है टू रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, टू रिमूव द डिसॉल्व इम्प्योरिटीज, और फोर्थ में है नन ऑफ द अबव। तो कुछ इस प्रकार से हमारे सारे जो क्वेश्चन आंसर था उसे एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 का वो पूरी तरह से हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, और इस तरह से हमने क्लासिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर 7 जो है वो पूरी तरह से एंड कर लिया, पूरी तरह से चैप्टर 7 जो आपका वाटर उसे कंप्लीट कर लिया। हमने इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी पूरी कंप्लीट करा और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर उसे भी कंप्लीट कर लिया। तो गाइज आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट करके वो आज का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूले।